हेलो गाइस, कैसे हो सारे। एक बहुत ही नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अभी हूँ दिल्ली में, यानी कि देश की राजधानी में। अभी जस्ट एक ट्रेन जर्नी ख़त्म करके आया हूँ। वो कौन सी ट्रेन जर्नी है वो आपको जल्द ही पता लग जाएगा। बाकी बहुत ही मज़ा आया भाई अभी दिल्ली में आके। बहुत गर्मी है फिलहाल, और आपको बताऊँ, मैं हर टाइम दिल्ली आता हूँ ना, मैं किस होटल में रुकता हूँ आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। होटल के साथ ही साथ हम कहाँ खाना खाते हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं फूडी इंसान हूँ भाई। तो मैं बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर खाता हूँ। तो आपको एक, अगर आप पहाड़गंज साइड आ रहे हो, जैसे देखो, जैसे मैं आता हूँ, मेरे साथ दोस्त लोग हम सब आते हैं, तो हमें कैसा ट्रेन वगैरह कैच कर नहीं रखते। ट्रेन वगैरह ना हमें जल्दी, कभी सुबह सुबह होती है, कभी एकदम रात को होती है, कभी कभी भी हो सकती है ट्रेन, ठीक है। तो अगर दूर रहेंगे तो फिर दूर से ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है, उसमें ज़्यादा हैसल होता है। तो हमने क्या किया, पहाड़गंज में अपना एक फेवरेट होटल आपको मैं रिकमेंड करूँगा, जहाँ पर आप रुक कर एक, जहाँ पर आप कम प्राइस में अच्छा रूम पा सकते हो, एसी रूम। उसके साथ ही साथ खाने पीने के लिए नीचे भी अच्छे अच्छे खासे होटल मौजूद है, वो आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। पहले आप रूम देख लो, पहले आप इंटीरियर्स देख लो, आपको मैं इंटीरियर्स दिखाता हूँ कैसे है। देखो भाई, ये है आज का हमारा रूम। पहले इसको खोलते हैं, इसको लगाते हैं, मतलब अच्छे से शूट करके आपको दिखा दूंगा। देखो, एंटर करने के बाद ही इतना अच्छा रूम है, और इसका रेट आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अगर रेट बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कितना सस्ते में आपको ये, देखो, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में आपको मिल सकता है, यहाँ पे दो एंड यहाँ पर एक। साथ में एसी है, एसी की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। बाद में कबर्ड, वाटर वगैरह सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। देखिए, ये है उसका, ये सब चीज़ें, टेलीफोन है, आप चाय चाय कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ें मंगा सकते हो उसके साथ। यहाँ पर देखो, ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा क्लीन है। मेन बात, वॉशरूम बहुत लोगों का कंसर्न होता है, वो भी क्लीन है। यहाँ पर देखो, अपना एसी का स्विच है, एसी भी हम लगा सकते हैं। सही है भाई, मतलब क्लीन क्लीनलीनेस देखो आप कितनी अच्छी है। और रूम में, रूम का पेंटिंग वगैरह रिसेंटली किया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको होटल की डिस्क्रिप्शन, होटल का लोकेशन वगैरह दिखाता हूँ थोड़ी देर में, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। देखो, वहाँ से आप लेफ्ट साइड जाओगे तो सीधा न्यू दिल्ली स्टेशन आ जाएगा, ठीक है। इधर से ऐसा आप अंदर आओगे तो थर्ड वाला ही होटल है, साहिब होटल करके, इधर बड़े अक्षरों में लिखा है, मस्त होटल है। और इसके सीधा थोड़ा सा जाके ही जो खाने का सिस्टम है वो आपको दिखाता हूँ। भाई, भूख बहुत ज़्यादा लगी है मुझे, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा यार। देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है खाने का। देखो, नाम है कुक्कू छोले भटूरे वाला, और नाम भी कितना अच्छा है यार। 80 रुपीज़ पर प्लेट आपको मिल जाएगी। कुल्लड़ चाय वगैरह, वहाँ पर चाय का काउंटर अलग से, वहाँ पर भी हम चाय भी पी के देखेंगे इनका चाय का टेस्ट कैसा है। यहाँ पर देखो भाई, भटूरे का प्रिपरेशन चल रहा है, छोले के साथ हम जो भटूरे खाएंगे उसका प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। और हाइजीनिक कितना है देखो आप, उस हिसाब से प्रिपरेशन ये लोग कर रहे हैं। ये देखो भाई, भटूरे एकदम, तेल भी कितना साफ वाला तेल यूज किया इन लोगों ने, जगह भी इतनी क्लीन है, तो आप हिसाब लगा लो कितना अच्छा हो सकता है। भाई साहब, कितना फूल गया ऐसा एकदम गोल गोल। और भाई, यहाँ पर इनका चाय का काउंटर, जहाँ पे आपको कुल्लड़ चाय, बिस्किट, वे सब, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। चाय भी इनका अच्छा ही होता है, चाय भी एक बार मैंने ट्राई किया था। बाकी वहाँ पर अपने छोले और भटूरे रेडी हो रहे हैं। भाई देखो, यहाँ पर ऐसे प्लेट इनकी रेडी हो चुकी है, जिसमें है अपने छोले, साइड में अचार है, और राइट साइड में आलू जो मिलता है दिल्ली में, अपने तो पंजाब में आप कभी भी छोले भटूरे खाओगे ना, आपको आलू ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर अचार वगैरह है, और साफ़ सफाई भी कितने अच्छे तरीके से मेंटेन की है। साथ में समोसा, कचौड़ी, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। देखो, आगे समोसा कचौड़ी की प्रिपरेशन चालू है। ये मुझे सबसे बेस्ट स्पॉट लगता है भाई, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये क्या है भैया, लस्सी है? अच्छा, ये लस्सी है, ये भी टेस्ट करके देखेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें अपनी रेडी हो चुकी है भाई, अब बारी है टेस्टिंग का। अगर आपको छोले भटूरा नहीं खाने तो राजमा चावल, बेडमी पूड़ी, उसके बाद कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर। एग्जैक्ट गूगल मैप्स का लोकेशन ना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस हिसाब से आओ। देखो, अपना ये सारा चीज़ें रेडी होकर भैया ले जा रहे हैं बस रूम में हमारे। अपने साथ सब फ्रेंड्स मौजूद है, संदीप भैया भी है, तो छोले भटूरे खा रहे हैं संदीप भाई। देखो, जो अभी जस्ट बने थे गर्मा गर्म, पूछ लेते हैं उनसे रिव्यू कैसा है। अच्छा है, गर्म है ना मेन बात। और एक बार अचार बता दो कैसा है, जो उस साइड है। अच्छा है ना, तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 9 दूंगा 10 में से 9। नहीं, सच में अच्छा ही है, एकदम फ्रेश, अच्छे अच्छे तेल में उन्होंने तला था, तो एक बार मैं भी टेस्ट करके रिव्यू बता देता हूँ। एक मिनट, चलो भाई इसको टेस्ट करते। वैसे अभी हमने टेस्टिंग कर ली थी, आपके लिए एक बार मैं रिव्यू बना लेता हूँ फटाफट से। काले टाइप के छोले आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत देखने को मिले, मतलब लगभग यही टाइप के होते हैं। इसको एक बार मैं टेस्ट करता हूँ भाई साहब, क्या अंदर भटूरे के अंदर का आपको फीलिंग दिखा दो। ये देखो, पनीर भरा यार, पनीर है इसमें। सत्या, आपको कैसा लगा, आपने भी टेस्ट किया था? मस्त लगा। चाय पी रहे हो, चाय कैसी है? बढ़िया। और मेन बात देखो यार, कचौड़ी वगैरह
हमने एक बार उदयपुर में खाई थी कचौड़ी और समोसा, उस लेवल की है, उस लेवल की है। और चटनी देखो, ये वाली इमली वाली है और हरी चटनी भी है। हमने साथ में लस्सी भी ली है, लस्सी भी एक बार आपको चख के तुरंत बता देता हूँ कैसा इसका टेस्ट। वाओ भाई, समोसे अच्छे बने। एक बार समोसा भी टेस्ट कर देता हूँ, समोसे अच्छे बने। समोसा देखो भाई, एक बार समोसे अच्छे बने भाई, मैंने आलू खाली निकाल के समोसे करीब सत्या भाई देंगे, बाकी छोले भटूरे का तो खरीद दिया। अच्छा है अपना यूपी स्टाइल, अरे बहुत बढ़िया यार। तो भाई देखो आप लगा लो, एक बार संदीप भाई ने भी रिव्यू दे दिया, सत्या भाई ने भी दे दिया, श्रेयांश भाई एक बार आपका रिव्यू मैं जानना चाहूंगा, आपको कैसा लगा? जो पर्सनली मुझसे पूछोगे ना, हाँ। तो मुझे समोसे सबसे ज्यादा पसंद है, समोसे के बाद ये आपका हाँ। भटूरे, भटूरे भटूरे में जो पनीर की फीलिंग है ना, हाँ। क्या टेस्ट दे रही है, सच में फीलिंग बढ़ा दी है। 80 रुपए में मिल रहा है इतना सा, इतना ज्यादा तो और क्या चाहिए। एक बंदे का पेट आराम से भर जाएगा, आराम से भर जाएगा, निकल भी जाएगा एक बंदे का पेट आराम से। ओवरऑल भाई देखो इतना अच्छा मस्त खा। आपको ना इस होटल का एड्रेस और जो रेस्टोरेंट है जिसमें जिधर से हमने छोले भटूरे मंगाए हैं उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर एक बार विजिट करेगा, जरूर एक बार विजिट करें इसमें। अगर आपकी ट्रेन दिल्ली से सुबह जल्दी है, जैसे हमारी कभी कभी जल्दी होती है, कभी कभी देर रात होती है, तो सीधा वॉकिंग करके जाओ, कोई रिक्शा की चकचक नहीं, ऑटो की वगैरह कोई जरूरत ही नहीं है भाई। ओवरऑल ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, ये वीडियो को अब यहीं पर एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जाना यार, आपको कैसा लगा, मतलब वर्चुअली ये देखकर कैसा लगा आपको छोले पनीर वगैरह ये सब चीजें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं एंजॉय करूंगा और सो जाऊंगा भाई।